नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार। पिछले हफ्ते में अगर हम एग्री मार्केट की अगर बात करें तो एग्री मार्केट के अंदर काफी वॉलेटिलिटी वाला हमने वीक देखा। हमने देखा कि फिजिकल मार्केट के अंदर भी किसान आंदोलन के चलते धीरे धीरे प्राइजेस पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, बट ओवरऑल पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो एडिबल ऑयल पैक में एक प्रॉफिट बुकिंग वाला दौर हमने देखा, जहां सोयाबीन में 0.5% की गिरावट, मस्टर्ड में 1% की गिरावट, कैस्टर में हमने 0.5% की गिरावट आती हुई देखी। सीपीओ स्टेबल रहा, जबकि रिफाइंड सोया ऑयल में भी 1% की गिरावट थी। वहीं मसालों के अंदर भी हमने गिरावट भरा वीक देखा, जहां हमने हल्दी के अंदर करीबन 0.5% की गिरावट, जीरे में 0.5% की गिरावट, जबकि धनिया 2.5% की गिरावट के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। गवार सीड गवार इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन 2.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। मेंथा ऑयल काफी स्टेबल था, जबकि कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हायर लेवल से हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी, जहां 1.5% की गिरावट कॉटन में, 3.5% की कॉटन सीड ऑयल केक में और चने में हमने करीबन 5.5% की गिरावट आती हुई देखी। आज के सेशन की अगर बात करें तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये हफ्ते में कल फार्मर्स ने भारत बंद बुलाया है, इसका कहीं ना कहीं अराइवल पे प्रेशर पड़ सकता है और डिमांड पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले अगर हम सोया कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सोया रिफाइंड सोयाबीन में हमने देखा है कि मार्केट में एक गिरावट स्टार्ट हो गई है और 4400 के नीचे काउंटर थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं 43-40-43-20 तक के लेवल पे जा सकता है। वहीं रिफाइंड सोया ऑयल की अगर बात करें, रिफाइंड ऑयल इंटरनेशनल फैक्टर को देखते हुए अभी भी पॉजिटिव है, 1050 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, जो 1075 से 1080 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं मस्टर्ड की बात करें, बम्पर सोइंग के बाद प्राइजेस में गिरावट जैसा माहौल बना है, जो टाइमिंग हमें लगता है 5700 पे जाकर रुकना चाहिए, तो प्राइजेस में दबाव रहेगा। कैस्टर रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है, पिछले हफ्ते में हमने रिकवरी देखी, रेंज 4500 से लेकर 4650 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं मसालों के अंदर हल्दी जीरे की बात करें तो हमने शुक्रवार के सेशन में भी गिरावट आती हुई देखी, आज भी हमें लगता है कि मसालों के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट भरा दिन रह सकता है, बट जीरे में ध्यान रखिए 13600 का लेवल तोड़ने पे ही बड़ी गिरावट है, नहीं तो 13600 से 13900 के बीच में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। धनिया में हमने बड़ी गिरावट ऑलरेडी देख चुके हैं, साइकोलॉजिकल लेवल 6000 का लेवल अब एक नया सपोर्ट धनिया में बनता हुआ दिखाई देगा। चने की अगर बात करें तो बिकवाली अभी भी जारी है, क्रॉप साइज को देखते हुए डिमांड में एज ऑफ नाउ कोई बड़ा ऐसा चेंज आया नहीं है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव है। 4800 के नीचे प्राइजेस कंटिन्यू रहता है तो 4600 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी, बट शुक्रवार के सेशन में हमने देखा प्राइजेस 2100 के नीचे होल्ड किया है। 2100 के नीचे होल्ड करने का मतलब है प्राइजेस में एक दबाव रह सकता है, जो आज के सेशन में 2020-30 तक का लेवल दिखा सकता है। वही गवार कॉम्प्लेक्स अब नीचे में एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है 3800 के लेवल पे और 5650 के लेवल पे गवार गब, तो ये रेंज में अगर हम धीरे धीरे बाइंग करके चले तो एक 2-3 दिन के व्यू के हिसाब से एक बाउंस देखने मिल सकता है, बट संभल के बाउंस देखिए। वहीं सीपीओ के प्राइजेस में अभी भी तेजी का रुख है, 900 का लेवल हर्डल रहेगा, 900 का लेवल तोड़ने पे 912 तक का लेवल सीपीओ में दिखा देगा। वहीं कॉटन इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए मार्केट में तेजी का रुख बना हुआ है, जो अपसाइड में 20000 का लेवल तोड़ने पे ही बड़ी तेजी कर सकता है। चार्टे के लिए अगर देखा जाए तो एग्री डेस्क के अंदर प्राइजेस में एक प्रेशर बना हुआ है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइजेस है, जो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 200 डे मूविंग एवरेज तक दिखा सकता है। सोयाबीन में एक पुल बैक है, जो 4200 तक का लेवल दिखा सकता है सोयाबीन के अंदर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।